ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड मरीजों की समस्याओं को देखते हुए नीमच शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें मरीजों को जांच सेंटर पर जाने के लिए निशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। शहर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को ब्लड टेस्ट व सीटी स्कैन सेंटर पर जाने के लिए निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें उनके कई रुपए खर्च हो जाते थे। मरीजों की समस्याओं को देखते हुए नीमच शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के सदस्यों ने एक अनूठी पहल की है। गुरुवार को समिति के सदस्यों ने निशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था मरीजों के लिए की है। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के राजेश जायसवाल ने मीडिया को बताया कि सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक यह व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा, जाँच करने जाना होगा तो वह इस वाहन को ले जा सकते हैं। राजेश जायसवाल ने बताया कि यदि किसी आसपास के गांव के मरीज को उसके घर पर छोड़ना भी होगा तो यह एम्बुलेंस उन्हें निशुल्क उनके घर तक पहुंचाएगी। ये नीमच शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा ये किया गया है एम्बुलेंस की व्यवस्था, और एम्बुलेंस नीमच प्रॉपर में जहां भी सीटी स्कैन या ब्लड की जाँच के लिए जो बाहर एम्बुलेंस वाले 1-1 हज़ार और ले रहे थे रोगियों के लिए, इसकी वजह से हमने ये एक एम्बुलेंस निःशुल्क यहाँ प्रोवाइड की है अस्पताल में। ये सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खड़ी रहेगी, और जिसको भी कहीं ले जाना है, ज़रूरी नहीं है कि हम सीटी स्कैन और इसी के लिए देंगे, आसपास के गांव में भी अगर कोई मरीज है और अगर लाना है ले जाना है तो उसको छोड़ के आएगी। ये निरंतर जो है निःशुल्क सेवा रहेगी।